Hi everybody, this is Karanveer Mehra. Thank you for having me on Glitz Vision USA. Yes, we all know and we are so happy कि आपने एक वापस से कहीं ना कहीं कमबैक कह सकते हैं शो के थ्रू टेलीविजन पर. मैं तो वैसे कहीं जाता ही नहीं हूँ, लोग कमबैक बोलते रहते हैं. हाँ, मैं ब्रेक्स बहुत लंबी ले लेता हूँ बीच में. कुड बी बिकॉज आई एम डूइंग अदर थिंग्स ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ OTT या कुछ ना कुछ चलता रहता है. तो हाँ, TV में देखा जाए तो एक साल हो गया अब. बट एक साल पता नहीं लगा ना लोगों को कोविड के चक्कर में. आपने देख लिया तो आप बताओ. हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने बहुत सारे शेड्स आपके देखे, लाइक इनोसेंट से डिफरेंट से हर तरीके के शेड्स देखे. इसमें किस तरह का होने वाला है फैंस के लिए अगर कुछ बताना. तो ये आपको अच्छा लग रहा है आपने जो किरदार देखा? Yes, ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए आपको? नहीं, पति ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए. नहीं चाहिए ना. तो हाँ, अभी वैसा ही है. वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, वेरी हॉट हेडेड, वेरी एरोगेंट वाइफ बीटर, और यू नो क्या कहते हैं उसको, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है ना, वो सब सारे जो मतलब कबीर सिंह ऑन स्टेरॉइड जाइए वैसा है इंसान. ओके, सो जब आपको पता चला कि इस तरह का कुछ करना है, सो आर यू स्पेक्युलेट लाइक स्केप्टिकल अबाउट इट कि लाइक करूँ या ना करूँ? नहीं नहीं, आई ऑलवेज जंप एट दीज अपॉर्चुनिटीज. यार कोई चैलेंज करता है अगर मुझे, तो मैं तो कास्टिंग वालों के लिए सोचूंगा. उन्होंने सोचा होगा इसको लें या ना लें, तो इतना स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी है. सो कुडोस टू देम कि उन्होंने सोचा कि हाँ ये कर पाएगा. एंड आई एम ऑलवेज अप फॉर चैलेंजेस. ओके, एंड शो में अपनी एंट्री को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? लाइक पहले भी ऐसी खबरें आई थी कि आप शो में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, होते हुए दिखा नहीं. एंड अब ऑल ऑफ अ सडन मिड ऑफ द शो कहा जा सकता है कि आपकी एंट्री हुई, तो क्या कहना चाहोगे? देर आए दुरुस्त आए, यही कहना चाहूँगा. और द बिगनिंग वी वर ट्राइंग टू वर्क आउट समथिंग, बट डेट्स नहीं हो पाई और कुछ कैरेक्टर जो ब्रीफ था उसका एज आई थिंक वेरी हो गया, सो आई कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट. बट इट्स अ ग्रेट टीम टू यू नो हैव अराउंड. लेकिन करण, में अक्सर देखा गया है कि जिस तरीके से बहुत सारे को एक्टर्स होते हैं लाइक शो में, लेकिन इतने लीड फेसेस नहीं होते जितना इस शो में. कहीं ना कहीं हर किसी की जोड़ी और इतने सारे फेसेस हैं. क्या कहना चाहोगे कास्टिंग को लेकर, लाइक अदर को एक्टर्स को लेकर? सारे दोस्त ही हैं मेरे, और वो अच्छी बात है कि इतने सारे लीड्स हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है. और यू नो डेली शूटिंग टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी, ऑन योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ. तो सबको एक तरह का ब्रेक मिल जाता है बिकॉज यू कैन ईजिली डिवाइड सीन्स अमंगस्ट सो मेनी अदर एक्टर्स. आई पिटी एंड एनवी ऑल दोज पीपल जो सिर्फ सिंगल लीड्स हैं और उन्हीं के ऊपर शोज हैं और हर सीन में मज़ा भी आता होगा उनको, बट आफ्टर अ पॉइंट इट गेट्स टू यू. और एक थोड़ा टाइम चाहिए होता है ना रिजुविनेट करने के लिए, वो शायद उनको मिल नहीं पाता. तो यहाँ पे वो हमें मिल जाता है. देख रहे हो काफ़ी देर से हम इंटरव्यू भी चल रहा है, बैठा भी हूँ, गाने भी सुन रहा हूँ, सो आई एंजॉय ऑल दैट. तो एक ब्रेक मिल जाती है बिकॉज देयर आर अदर पीपल हु आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल एंड मे बी मच बेटर एक्टर्स एंड परफॉर्मर्स देन मी. जैसा कि आपने कहा कि कई बार स्टोरी एक पर्टिकुलर पर्सन से लीड करती रहती है, हमेशा अक्सर देखा जाता है. अपने कैरेक्टर में आपको आप शो में किस तरीके से देख पा रहे हैं? क्योंकि लाइक आप जानते हैं कि आपकी एंट्री एक मिड में हुई है, एंड देन कुछ शेड भी कुछ इस तरीके का है कि लाइक आप एक्स हैं उनके एंड आप परेशान करने आए हैं. तो किस तरह से आगे भी ये लॉन्ग रनिंग चलता रहेगा लाइक आपका किरदार? अगर मैं कहूँ सच बोलूँ कि झूठ? बिल्कुल सच, सच ही बोलिए. तो सच बात ये होती है कि एक किरदार इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, उसके बाद जैसे धागा छोड़ देते हैं एक, उसके बाद टेलीविजन के व्यूअर्स जैसे रिस्पांस करते हैं, जैसे आप देखेंगे यार आपको अच्छा लगेगा तो उसको धागे को लंबा करते जाएंगे, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो धागा बीच में तोड़ के फिर दूसरा धागा ऑन कर देते हैं. सो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द व्यूअरशिप कि लोगों को कैसा लग रहा है. अगर लोगों को पसंद आ रहा है, प्रशंसा हो रही है उस कैरेक्टर की, तो उसको थोड़ा सा जिंदा रखेंगे काफ़ी देर तक. बिकॉज जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं किसी पॉइंट पर जाके उनको ख़त्म करना होता है, या उनका क्या कहते हैं सुधारण हो जाता है, या फिर वो परलोक सुधार जाते हैं. तो दोनों में से एक चीज़ होगी. अब कब होगी ये पता लगेगा, यही बताएंगे, हम नहीं बता सकते. आपने थिएटर में नहीं देखा? मेरे को देखा है. बिल्कुल देखा है, फिल्मों में देखा है. हाँ, थिएटर में भले ना देख पाई हो. हाँ, क्योंकि नहीं, मैं तो कह रहा हूँ थिएटर एज इन स्टेज पे. ओके, थिएटर भी करता हूँ. हाँ, ऑलमोस्ट मतलब सारे मीडियम आपने ट्राई किए हैं. कौन सा मीडियम आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं? लाइक
ये अनफेयर होगा ये बोलना, ऐसा लगता है कि मेरे 5-6 बच्चे हैं उसमें कौन सा सबसे फेवरेट है, ऐसा नहीं हो सकता। बट हर टाइम पे अपना एक मज़ा होता है और हर एक मीडियम का अपना एक फ़न होता है। तो टीवी के लिए मैं कहूँगा इट हैज़ अ वास्ट रीच। मेरे जितने भी कैरेक्टर्स मैंने अलग जगहों पे प्ले किए हैं, चाहे वो एड में हो, OTT में हो, टीवी पे जैसे मैं आता हूँ तो एक ऑडियंस बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी बढ़ जाती है। फिल्म के लिए शूटिंग करते हुए मज़ा आता है, थिएटर में इट्स आर्टिस्ट मीडियम, एक बार लाइट्स ऑन ऑडियंस आ गई तो एक्टर ही है बस, डायरेक्टर ने जो एक बार सिखा दिया वो हो सकता है डायरेक्टर ने सिखा दिया, इट्स एन आर्टिस्ट एक्टर्स मीडियम। एड्स तो बेचने की चीज़ होती है भाई, ले लो, पैसे अच्छे मिलते हैं उसमें, तो वो उसके लिए मज़ा आता है। 15 सेकेंड 20 सेकेंड पूरे दिन में निकालना होता है और यहाँ पे हम 25-30 मिनट पूरे दिन में निकालते हैं, सो उस चीज़ का डिफरेंस है। OTT में इट्स अ वेरी गुड मिक्स बिकॉज एक ऑलमोस्ट एक फिल्म स्टोरी को 3 घंटे की जगह 9 घंटे मिल गए हैं, तो कैरेक्टर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, उसको स्लो किया जा सकता है, उसकी ज़िंदगी का पेस। अब जैसे फिल्म में किसी कैरेक्टर आर्टिस्ट को 5 सीन दोगे, 6 सीन दोगे, यहाँ पे आप उसको 50-60 मिनट दे सकते हो उस कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने के लिए, और फिर सीज़न 2 सीज़न 3। तो ये एक अलग अच्छी मतलब चीज़ आई है, एक नया मीडियम आया है, सो आई एंजॉय ऑल ऑफ देम इक्वली। नहीं, मेरे से ऐसा सच कोई मेकर्स ने दे वर नॉट इन टच बिकॉज इट वाज अ न्यू स्टोरी। आई थिंक सिर्फ अंकिता है और बाकी पूरी कास्ट आई थिंक नहीं है। तो एंड ऑफ कोर्स इट वाज सुशांत की याद में, सो इट वाज द फर्स्ट सीजन वाला। मैं भी जब आया था तो तब तक अंकिता की पोती हो गई थी, जो अंकिता खुद ही थी, जिसके ऑपोजिट मैं था। सो ऑफ कोर्स मेरे से कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं था उस पवित्र रिश्ता का। बाय द टाइम आई वाज अ पार्ट ऑफ इट, मैं 3rd generation था। सो अगर होता तो सुशांत मेरे ससुर होते तो वो वैसा कनेक्ट था। बट आई एम श्योर, मैंने देखा नहीं है अब तक, बट मैं देखूंगा ज़रूर जैसे ही टाइम मिलेगा। बट बेस्ट ऑफ लक अंकिता, उसकी शादी भी होने वाली है अब, सो उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और साहिर को भी बहुत सारा प्यार, ही इज़ गॉट अ बेबी एंड बोथ ऑफ देम आर लुकिंग वेरी गुड। और वो बहुत ज़्यादा सुशांत की याद भी दिला रहे हैं, जैसा लुक दिया है उसको, जैसी उसकी हाइट है, जैसे बाल रखता है वो। सो आई होप द केमिस्ट्री इज़ एग्जैक्टली द सेम एंड दे ब्रिंग आउट दैट काइंड ऑफ लव फ्रॉम द ऑडियंस जो सुशांत और अंकिता को भी मिला था। हाँ, प्लीज़ ज़्यादा डरना मत। आई हैव ट्राइड समथिंग न्यू, जो मैं खुद नर्वस हूँ, लेकिन इफ़ यू लाइक इट, प्रेस अ लाइक हमारे चैनल पे, है ना, बता देना इन्हीं को, और सब्सक्राइब कर लेना इधर इनको, और इफ़ यू डोंट लाइक फिर भी कर लेना, ठीक है। और यस, ट्राइंग समथिंग न्यू अगेन फॉर द ऑडियंस, फॉर द फैंस, और स्टे कनेक्टेड, शो योर लव, एंड आई विल ग्रो फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। थैंक यू।